हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करने वाला बीकॉम सेम फाइव के सभी पेपर की पेपर स्टाइल। अगर आपकी एग्जाम 50 मार्क्स की होती तो आपकी एग्जाम किस तरीके से हो सकती है, जो कि लेटेस्ट सेम सिक्स की एग्जाम हुई थी सितंबर 2020 में, उनका पूरा का पूरा यहां पर पेपर दिया गया है, जहां पे इन्होंने 2 आवर्स की एग्जाम दी थी और 50 मार्क्स का पेपर अटेंड किया था। बिकॉज अब काफी लोग ने इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा है कि सर, अगर हमें सेम सिक्स के पेपर मिल जाएंगे तो हम लोग भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा पेपर किस तरीके से हो सकता है। तो यहां पर ये जो पेपर मैं आपको बताने वाला, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी की बाय चांस अगर आपकी एग्जाम 50 मार्क्स की होती तो आपका पेपर भी इस तरीके से हो सकता है। इस पेपर को देखने के बाद आप भी अपने तरीके से अपना आइडिया यूज करके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। तो यहाँ पर मेरे पास पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का, राइट। टाइम दिया है 2 आवर्स, जैसा कि हमको भी यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि आपकी एग्जाम 2 आवर्स की होगी, बट मार्क्स डन नहीं किए गए। 50 मार्क्स होगी या फिर 70 मार्क्स। अगर 50 मार्क्स एग्जाम होगी तो सेम इस तरीके से पेपर आने के फुल्ली चांस है। श्योर तो नहीं कह सकता बट फुल्ली चांस है, बिकॉज अभी तक पेपर स्टाइल हमारे पास कन्फर्म नहीं है। इंस्ट्रक्शन में क्या, सभी क्वेश्चन के लिए यही इंस्ट्रक्शन रहेगा। आपको एक बार समझा देता हूँ। अटेम एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 1 to 4, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 4 में से एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम करने होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा। MCQ हो सकता है, 2 फॉल्स हो सकता है, एंड 1-1 सेंटेंस भी हो सकते हैं, मे भी कुछ भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे आ चुका है आपका सेक्शन नंबर 1, अटेम एनी 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, कितने मार्क्स का आया था, 20 मार्क्स का। तो मे भी पॉसिबल आपका सब 20 मार्क्स का आ सकता है अकाउंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 10+10 20 मार्क्स का। एंड क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का। आई होप आप समझ गए। हमारी बुक के अंदर सभी की सभी चैप्टर को 4 यूनिट में डिवाइड किया, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। आपको 4 में से यानी 2 यूनिट को अटेंड करना एग्जाम में। अगर 50 मार्क्स एग्जाम होती, 4 में से अगर आपने 2 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 20, 2 क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिया, 20 × 2 कितना हो गया, 40। आई होप यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि सेक्शन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन में से एनी 2 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। सेक्शन नंबर 2 जो है वो कंपलसरी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यस, ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 2, 10 मार्क्स का रहेगा। एनी 5 MCQ अटेंड करना है, 1 MCQ 2 नंबर का होगा, 5 अटेंड करोगे, 2 5 10, बट टोटल कितनी MCQ आई होगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, गुजराती, हिंदी सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। टोटल कितने MCQ आए थे, 12 में से एनी 5 MCQ आपको अटेंड करना है, और 1 MCQ कितने मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का। टोटल आपने 5 MCQ अटेंड किए, 2 5 10, यहाँ पे आपके 40+10 50 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया। ये तो बात हो चुकी अकाउंट की, चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के पास। अभी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेने वाला, यस, यहाँ पे आ चुका है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टैटिक्स। कि स्टैटिक्स में पेपर किस तरीके आ सकता है, क्या लिखा है, 4 में से यानी 2 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करने। सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A और B 2 कैटेगरी में आएगा, जहां पे ए में थियरी है, 10 मार्क्स की कंपलसरी थियरी, जैसा कि मैंने आपको IMP में समझा दिया कि थियरी आपको याद करना है, थियरी के अंदर आपको थियरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में एक डायलॉग है, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। सेम अगर स्टेट्स में अच्छे मार्क्स लाने, थियरी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, थियरी रीड करना है, याद करना, और कंपलसरी थियरी जो मैंने आपको दे दी IMP में वो इनफ है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने थियरी के अंदर, 10 मार्क्स की थ्योरी आई थी, 10 मार्क्स का सम, 10+10 कितना हो गया, 20। क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स की थ्योरी थी और 10 मार्क्स का सम था, 10+10 कितना हो गया, 20। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मार्क्स की यहां पे थ्योरी थी एंड 3 का बी 10 मार्क्स का आपका सम था, 10+10 कितना हो गया, 20। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मार्क्स की थ्योरी और 10 मार्क्स का सम, टोटल कितना हो गया, 20। 4 क्वेश्चन में से एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने, एक सेक्शन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए, 20 × 2 कितना हो गया, 40 मार्क्स तो यहाँ पे डन हो गए। एंड सेक्शन नंबर 2 आपका इस तरीके से रहेगा, फिलअप हो सकता है, 2 फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे लास्ट सेम 6 के अंदर MCQ आए थे, यहाँ पे लिखा एनी 5, टोटल कितने MCQ दिए गए, 10 में से आपको एनी 5 MCQ ही अटेंड करने, 1 MCQ कितने मार्क्स का हो गया, 2 × 5, 2 5 = 10। तो आई होप इस डेट का पेपर पैटर्न अगर 50 मार्क्स एग्जाम होती तो इस तरीके से हो सकता है, राइट ना। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के पास, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो सके। अब यहां पर नेक्स्ट आ चुका है मेरे पास CC, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आई होप आपको दिख रहा है, क्या लिखा है यहां पर, अटेम एनी 2 क्वेश्चन। सेक्शन 1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चन ही अटेन करने हैं।
चार में से एनी टू क्वेश्चन अटेंड करने, अगर आपकी एग्जाम कितने मार्क्स की होती, 50 मार्क्स एज पर सितंबर 2020 सेम सिक्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर वन जो थे वो आपका टेक्स्ट बुक में से था, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर थे और 8 मार्क्स की शॉर्ट नोट थी। अगर आपको टेक्स्ट बुक अच्छी तरीके से पढ़नी है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जितनी भी स्टोरी दी गई उससे पहले गुजराती में रीड कर लीजिए, फिर आप उसको इंग्लिश में रीड कर लीजिए, 100% आपको क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे और शॉर्ट नोट भी आ जाएंगे, राइट। तो 12 + 8 क्वेश्चन वन कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। चलते यहां पर क्वेश्चन नंबर टू, यस अभी आपको दिख रहा होगा एक लेटर आया हुआ था 20 मार्क्स का, अभी अपने पास प्रेस रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई थी, अभी भी हमारे पास रिपोर्ट है, कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की। एक लेटर रेडी कर लीजिए 20 मार्क्स का हो सकता है, और एक रिपोर्ट रेडी कर लीजिए 20 मार्क्स की हो सकती है, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको दिख रहा है, इस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन आया था 12 मार्क्स का और 8 मार्क्स की यहाँ पर आए हुए थे, मैच द फॉलोइंग जो कि आपकी बुक में भी दिए हैं, फॉर एंड वर्ड एंड सेक्शन नंबर टू जो था वो एमसीक्यू का था, कितने थे टोटल 10 मार्क्स के, और यहाँ पे कितने एमसीक्यू दिख रहे, 1, 2, 3 and 5। देखो ध्यान से देख लीजिए, सीसी के अंदर एनी नहीं दिया गया, 5 एमसीक्यू दिए गए, 5 के 5 आपको अटेंड करने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पांचों की पांच स्टोरी या फिर आपकी बुक में जितनी भी स्टोरी दी गई सभी को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, आपके एमसीक्यू एक भी रॉन्ग नहीं होंगे। एक एमसीक्यू 2 नंबर का, टोटल 5 एमसीक्यू अटेंड करेंगे, 2 × 5 = 10, 40 + 10 कितने हो गए आपके, 50 मार्क्स कंप्लीट हो गए। चलते नेक्स्ट सब्जेक्ट और देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो सके। यस अभी मेरे पास पेपर आ चुका है सीसी का, गुजराती मीडियम में सेम यही पेपर पैटर्न मेरे पास गुजराती मीडियम के भी पेपर तो यहाँ पे दिए हैं, पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आई होप आपको दिख चुका होगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। देखते हैं यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे आया हुआ था, राइट आंसर एनी टू, यानी कि कोई भी दो क्वेश्चन के ही आपको आंसर लिखने। क्वेश्चन नंबर वन आपके दो कैटेगरी में था, ए और बी, 10 मार्क्स 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर टू ए और बी, 10 मार्क्स 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर थ्री ए बी, 10 10। क्वेश्चन नंबर फोर ए और बी, 10 10 मार्क्स का। दैट मीन्स यहाँ पे चार क्वेश्चन में से आपको एनी टू क्वेश्चन ही अटेन करने थे, तो 20 × 2 कितना होगा, 40 मार्क्स तो यहाँ से डन हो गए। एंड सेक्शन नंबर टू आपका आया था एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, आपकी बुक में जितने भी एमसीक्यू गिवन है सभी एमसीक्यू को रीड कर दीजिए, चाहे वो इको हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, या फिर स्टैटिक्स हो, या फिर अकाउंट हो, एमसीक्यू आपकी बुक के बाहर के नहीं आने वाले, आपके 10 मार्क्स तो डैम श्योर डन हो जाएंगे। राइट आंसर एनी 5 1 2। टोटल कितने एमसीक्यू आए थे इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं यहाँ पर, यस सर टोटल 10 एमसीक्यू आए थे, जिसमें से आपको एनी 5 एमसोरी यहाँ पर, यस एक सेकेंड, एनी 5 एमसीक्यू ही अटेंड करने थे। एक एमसीक्यू आपके कितने मार्क्स का था सर, 10 में से 5 अटेंड करने, एक एमसीक्यू आपके 2 मार्क्स का था, 2 × 5 = 10। तो ये डिस्कस हो चुका है हमारा, इको का अगर पेपर हो सकता है 50 मार्क्स का तो इस तरीके से हो सकता है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये तो ओल्ड कोर्स है, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स का न्यू कोर्स है गुजराती मीडियम का, सेम वही पेपर पैटर्न है, 10 10 10 10 और 10 मार्क्स के एमसीक्यू, राइट। फिर यहाँ पे चलते आ चुका है, ये पेपर आ चुका है अपने पास, यस एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग समझा चुका हूँ, 2020 हो सकता है, वहाँ पे ऑडिटिंग को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ एमसीक्यू आपके ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यू खाली जगह कुछ भी हो सकता है, एनी 5। टोटल अकाउंट में कितनी एमसीक्यू आई थी सर, टोटल खाली जगह आई थी 10, 10 में से आपको अटेंड कितनी करनी थी, एनी 5 ही अटेंड करनी है, तो एक खाली जगह अभी कितने नंबर की हो जाएगी, 2 मार्क्स की, 2 × 5 = 10। चलते फिर यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते, यस फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा हो सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेक्शन नंबर वन के अंदर क्वेश्चन नंबर वन ए और बी 10 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर टू 10 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर थ्री 10 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर फोर 10 10 मार्क्स। आपको क्या करना है, चार क्वेश्चंस में से एनी टू क्वेश्चन ही अटेन करना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 20 × 2 करोगे कितने मार्क्स हो गए, 40। और 10 मार्क्स में यहाँ पे कंपलसरी एमसीक्यू हो सकता है, फिलअप हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर ना एमसीक्यू आए थे ना फिलअप आए थे, 1 1 सेंटेंस आए थे, तो आपको इसे रेडी करना होगा, राइट। और लिखा है एनी 5, दैट मीन्स एक क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, 2 × 5 = 10। एंड चलते यहाँ पे फंडामेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सेम टू सेम, यस अब आ चुका है यहाँ पर बिजनेस ऑफ लो। काफी लोग कंफ्यूज है कि बिजनेस ऑफ लो का पेपर कैसा होगा, जितनी आपको आईएमपी दी इनफ है, आप उसे रेडी कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में ए और बी था 10 10 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर टू ए और बी 10 10 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर थ्री 10 10 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर फोर ए और बी 10 10 मार्क्स का था। टोटल चार क्वेश्चन दिए थे आपको, इसमें से एनी टू क्वेश्चन ही अटेंड करने थे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 20। अगर आपने दो क्वेश्चन भी अटेंड कर दिए 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40। आपकी इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसे चार यूनिट में डिवाइड किया गया, उसमें से कोई भी दो यूनिट जो आपको सबसे ईजी लगते उसे आपको याद कर लेना चाहिए, अगर आपकी एग्जाम 50 मार्क्स की होती तो। एंड देखते यहाँ पे
10 मार्क्स के यहाँ पे आपके बिजनेस ऑफ लॉ के अंदर टू फॉल्स आए हुए थे। क्या लिखा हुआ है? एनी फाइव, दैट मीन्स यहाँ पे 10 में से आपको एनी फाइव एमसीक्यू ही अटेंड करने थे और एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का था, फाइट हो जाए, कितना हो गया 10। तो आई होप यहाँ आपने सभी के सभी पेपर देख लिए होंगे कि अगर आपकी 50 मार्क्स की एग्जाम होती तो किस तरीके से आपका पेपर आने के फुल्ली चांस रहेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप पीडीएफ में ये सब पेपर को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा या फिर आप मुझे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।